वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको माउस के 7 ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिन्हें मैं पर्सनली बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। अगर आप एक बिगिनर्स हो तो आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही यूजफुल हो सकता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सैफ। मैं इस चैनल में इस तरह से टेक्निकल वीडियोस और नॉलेजेबल वीडियोस जो है लाते रहता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फिलहाल मैं हूँ मेरे लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर। तो हमारा पहला ट्रिक्स जो है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैं नोट पैड को ओपन कर लेता हूँ। नोट पैड मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दे दिए जाते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, राइट। मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे आपको और एक पोजीशन है, यहाँ पे आपको ऐसी एक जगह है जहाँ पे आप क्लिक करते ही ये क्लोज हो जाएगा, ये छोड़ के। जैसे एग्जांपल मुझे इसको क्लोज करना है, मैं जैसे ही यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो ये क्लोज हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा नोट पैड जो है क्लोज हो रहा है। इस तरह से आप दूसरी जगह पे भी क्लिक करके नोट पैड को क्लोज कर सकते हैं। इस जगह पे प्रेस करके भी नोट पैड को क्लोज कर सकते हैं। नोट पैड ही नहीं, ऐसे बहुत सारे टैब जो है आप उनको यहाँ पे क्लिक करके क्लोज कर सकते हैं। अगर आप इसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना है, यहाँ पे भी आप क्लिक करके मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और हमारा नेक्स्ट ट्रिक जो है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ, कुछ भी मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, हेलो माई नेम इज सैफ, ओके। मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, मुझे सेलेक्ट करना है हेलो से इस तक मुझे सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और इस तरह से ड्रैग करता हूँ तो मुझे यहाँ तक सेलेक्ट हो रहा है, राइट। ये अभी इतना ही सेंटेंस है तो मैं आराम से जो है यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट कर सकता हूँ। समटाइम्स क्या होता है, आपको ब्राउजर में बहुत सारा जो है सेलेक्ट करने का रहता है, आप एक ही साथ में पूरा सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे आप किस तरह से सेलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको एक ट्रिक है। जैसे एग्जांपल मुझे मई से सेलेक्ट होना है तो मैं यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं माउस पे, इस तरह से मैं यहाँ पे सिंगल क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद कीबोर्ड के ऊपर आपको शिफ्ट की जो है प्रेस करना है। यहाँ पे भी आपको शिफ्ट की मिल जाएगी और यहाँ पे भी आपको शिफ्ट की मिल जाएगी। मैं यहाँ पे शिफ्ट की पे प्रेस करके रख देता हूँ और मुझे इस तक जो है सेलेक्ट होना है। मैं इस पे और एक बार क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मई से जो है इस तक सेलेक्ट हो चुका है। इस तरह से आप जितना बड़ा भी है उसको आप आराम से जो है इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं रैंडमली कुछ भी इस तरह से टाइप कर लेता हूँ ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। मुझे अभी मई से डी एफ तक सेलेक्ट होना है। मैं मई पे एक बार क्लिक कर लेता हूँ और शिफ्ट बटन जो है उसको प्रेस कर लेता हूँ और डी एफ पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो है सेलेक्ट हो रहा है। इस तरह से आप माउस और कीबोर्ड की मदद से जो है जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको आप आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये था हमारा सेकेंड ट्रिक्स। और हमारा थर्ड ट्रिक्स जो है, मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, डोंट सेव, मैंने इसको क्लोज कर लिया। हमारा थर्ड ट्रिक्स जो है, जैसे एग्जांपल आप किसी को भी इस तरह से सेलेक्ट करते हो, सिंगल क्लिक करते ही वो फोल्डर हो या फाइल हो वो सेलेक्ट हो जाता है, राइट। आप इसको आराम से जो है जहाँ चाहे आप उसको इस तरह से ड्रैग करके लेके जाते हो, जहाँ पे भी आप इसका पोजीशन चेंज करते हो। अगर आपको 3 से 4 एक ही साथ लेके आना है तो आप कंट्रोल प्रेस करके जैसे ही आप क्लिक करते जाएंगे इस तरह से, उतने फोल्डर्स या फाइल्स जो है इस तरह से सेलेक्ट होते जाएंगे। उन सबको जो है आप एक ही साथ ड्रैग करके ला सकते हो जहाँ पे भी आप लाना चाहते हो, या जहाँ पे आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हो तो भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे चारों जो है यहाँ पे आना है तो मैं यहाँ से जो है इस तरह से ड्रैग करके चारों को भी ला सकता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है चारों भी जो है यहाँ से फाइल्स हो फोल्डर्स हो इस तरह से ड्रैग होके आ चुके हैं। अगर आपको एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कुछ भी कॉपी करना है तो भी आप इस तरह से ड्रैग करके एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है टेस्ट के नाम से, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा टेस्ट फोल्डर है, राइट। मुझे ये चारों फाइल्स जो है यहाँ पे चाहिए, मैं इनको ड्रैग करके इसमें पेस्ट कर सकता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने कंट्रोल प्रेस किया और इस तरह से जो है सेलेक्ट किया। अभी मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आऊँ तो ये कॉपी पेस्ट हो जाएंगे, या आप इस तरह से माउस से डायरेक्टली भी सेलेक्ट कर सकते हैं ड्रैग करके। सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ से लेके आएंगे और यहाँ पे छोड़ेंगे तो यहाँ से जो है कट होके वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे। इस तरह से आप कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट भी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये था हमारा थर्ड ट्रिक्स। और हमारा नेक्स्ट ट्रिक जो है, मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च कर लेता हूँ। जैसे एग्जाम्पल अबाउट फॉरनेक्स टेक चैनल, ओके, मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। यहाँ पे मुझे बहुत सारे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, राइट। मुझे इसको 1 बाय 1 पढ़ना है
तो मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे जो है youtube.com आ जाएगा और यहाँ पे YouTube ओपन हो जाएगा, राइट। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो इसका वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जो कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा नॉलेज रखते हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन नहीं करते, यहाँ पे वो करते हैं इसके ऊपर राइट क्लिक और ओपन लिंक इन अ न्यू टैब इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है, ये जो भी आपने सर्च किया है वो यहाँ पे ही रहता है और एक टैब में जो है आपको ये वेबसाइट जो है ओपन हो जाता है। जैसे एग्जांपल मुझे यूट्यूब ओपन होना था, यहाँ पे यूट्यूब है राइट, www.youtube.com ये यूट्यूब का वेबसाइट है। जैसे ही मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया और ओपन लिंक इन अ न्यू टैब पे ओपन किया तो यहाँ पे जो है मेरा यूट्यूब ओपन हो चुका है। इस तरह से मैं भी इस्तेमाल करता हूँ और जो प्रो होते हैं वो इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो भी वो रिजल्ट्स चाहते हैं उसके ऊपर इस तरह से राइट क्लिक करते हैं और ओपन करते हैं नया टैब पे और वहां से जो है उसको पढ़ लेते हैं। क्योंकि इसे फायदा क्या होता है, जैसे एग्जांपल मैं इसको क्लोज करता हूं और मैं यहां पे डायरेक्टली ओपन करके आपको दिखा देता हूं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं डबल क्लिक तो यही पे जो है मेरा यूट्यूब आ जाता है, वो जो मैंने सर्च किया था वो मेरा बैक में रहता है। अगर मुझे उसको वापस से देखना है तो मुझे यहां से जो है बैक में जाना होता है। इस तरह से जो है ये बहुत टाइम लेता है। अगर आप राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन अ न्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो आपका टाइम भी बच जाता है, राइट। आप इसको शॉर्टकट से किस तरह से करेंगे, जो माउस से आप किस तरह से शॉर्टकट से करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर जो है सिंगल क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिकली जो है दूसरे टैब पे ओपन हो जाएगा। ये भी एक फीचर है माउस का। अगर आपको इस वीडियो को ओपन करना है कंट्रोल प्रेस करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको नए टैब पे जो है वो वीडियो ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप कंट्रोल का इस्तेमाल और माउस का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। कुछ भी आप जूम इन और जूम आउट करना चाहते हो तो आप कंट्रोल प्रेस करके जैसे ही आप व्हील घुमाएंगे तो वो पोजीशन जो है जूम इन और जूम आउट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल मुझे ये जूम होना है, मैं कंट्रोल यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ, दो भी सेम है। मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस कर लेता हूँ और व्हील को घुमा लेता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ब्राउजर जो है वो जूम हो रहा है। अगर मैं इसको जूम आउट करना है तो इस तरह से जो है आप जूम आउट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक नेक्स्ट ट्रिक जो है, अगर आपको इसको स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करना चाहते हैं तो आप व्हील घुमा के जो है इस तरह से स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करते हो, राइट। यहाँ पे आपको और एक ऑप्शन है स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करने के लिए। ये जो व्हील है स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करने के लिए उसके नीचे एक बटन होता है। अगर आप जहां पे भी इस तरह से सिंगल क्लिक करेंगे, इस व्हील को घुमाएंगे नहीं मतलब क्लिक करेंगे, तो आपको जो है इस तरह से ये सिंबल आ जाएगा जो आपको सिंबल दिख रहा है। अगर आपको डाउन में जाना है जैसे आप थोड़ा सा माउस नीचे लेके आएंगे ये ऑटोमेटिकली जो है इस तरह से डाउन में जाएगा। मैं कोई भी बटन अभी प्रेस नहीं कर रहा हूँ, खाली मैं माउस को ऊपर और नीचे लेके जा रहा हूँ। अभी मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ, बैक आने के लिए इसके ऊपर सिंगल से क्लिक करना है तो आप बैक आ जाएंगे। सो आई होप आपको ये ट्रिक्स भी समझ में आ गया होगा। और हमारा नेक्स्ट ट्रिक जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे दो टैब्स ओपन है, राइट। ये एक टैब है और एक टैब जो है यहाँ पे है। अगर आपको टैब क्लोज करना है तो आप जो है इस मार्क पे क्लिक करते हो, राइट। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको एक टैब जो है क्लोज हो जाता है। यहाँ पे और एक बटन है, एक ट्रिक है, इस पोजीशन में आप कहाँ पे भी रख के उस बटन को प्रेस करेंगे तो एक टैब जो है क्लोज हो जाएगा। वो बटन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं माउस के ऊपर एक व्हील है, स्क्रोल अप और स्क्रोल डाउन करने के लिए एक व्हील है। इसके डाउन साइड में एक बटन होता है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, राइट। अगर आप यहाँ पे कर्सर को रख के उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो टैब जो है क्लोज हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी टैब को इस बटन से जो है व्हील वाले बटन से क्लोज कर सकते हैं। सो ये था हमारा लास्ट ट्रिक। तो ये थे 7 ट्रिक्स माउस के। अगर आपने कुछ नया सीख लिया, कुछ जान लिया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो दूसरों को हेल्प होता है तो उनको आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।